सारे पेड़ है और इस पेड़ को बोलते हैं हिंगोटा, जो पुराने जमाने में, अभी तो साबुन है, पुराने जमाने में इस पर लगे थे, वो लगे हुए नहीं अभी आप, नहीं तो वो भी बताता किस तरह से होते हैं और उससे कपड़े धोए जाते हैं। इधर बता नहीं सकते लगे हुए नहीं, और इसके भी इतने लंबे लंबे कांटे होते हैं, मैं एक नजदीक लाई थी, तोड़ना नहीं है। तो ये देखिए इसके भी कांटे ऐसे, ये पत्तों के अंदर कांटे, देखिए इसके भी बबूल की तरह कांटे लगे होते हैं और इस पर फल फल के टाइप लगते हैं, इंगोटे इतने इतने साइज में, वो भी लगे हुए नहीं है, नहीं आपको बता दूँ। ये और है, आइए अंदर आइए, देखिए सारा और इंगोटा का पेड़ है। ओ यार सॉरी, लगा हुआ इंगोटा, सॉरी गाइस, अब मैं आपको बता कैसे तोड़े, नहीं मिसा है ना ये, देखिए गाइस ये लगा हुआ है, ठीक है मैंने देखा नहीं था। तो ये इंगोटे पे लगते, देखिए ये बहुत ही शानदार चीज है, मुझे भी मजा, इसे भी फोड़ते हैं। तो देखिए साफ दिख रहा है, तो इसके अंदर ये कुछ इस तरह से होता है, छिपा छिपापन, छिपछिपा होता है और इस तरह से ये, तो वो इसको सुखाने के बाद, सूखने के बाद वो होता है और इसको कपड़े के ऊपर घिस देते तो उससे जाग बनते थे और उससे कपड़ों की धुलाई होती थी पुराने जमाने में, अभी तो साबुन है। तो ठीक है ये फल है और इसे हम फेंकते हैं और अभी आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर एक पिपड़ा, पिपड़ा इस पर फली, इस पर भी फली लगती है और उसकी बहुत ही नरम मात्रा में फली होती है, उसकी सब्जी भी, सब्जी भी बनती, मैंने सुना है, बनाया नहीं है मगर सुना है बनती है परफेक्टली, बहुत छोटी छोटी है ना होती है सब, देखो उसके भी फूल लगे हुए जल्दी का ही, ऐसे खिपड़ा बोलते हैं राजस्थानी भाषा में। ये देखिए छोटे छोटे फूल लगे, इस पर फली लगेगी और इसके बाद में वो और इसकी जो इसका बीज होता है ना और बढ़ता जाएगा और बढ़ती जाएगी। अभी इस वीडियो को यहीं पर विराम देते हैं और तब तक फिर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, हमारा सपोर्ट करना है, तब तक के लिए बाय बाय, आप सभी खुश रहना, मस्त रहना, स्वस्थ रहना और अपना ख्याल रखना और अपने भाई का सपोर्ट भी करना, तो बाय बाय।